इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर की एक मस्जिद में कुछ लोग बैठकर कुछ मशवरा करते हैं लोगों के इंसानियत के लिए, इंसानियत की खदमात को अंजाम देने के लिए। कुछ लोग इस फिक्र को ओढ़ तो लेते हैं पर यही फिक्र एक तहरीक में बदल जाती है। कुछ ही नौजवानों की फिक्र फिर इदारे में तब्दील हो गई। मस्जिद के इहाते में खदमात अंजाम देते देते इस इदारे ने बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया। अब यह शहर बेलगाम के मारूफ इदारों में से है। इसका नाम लिया जाता है, इस इदारे का नाम है मदीना फाउंडेशन। बेलगाम में बाढ़ का मंजर सभी ने देखा, सैकड़ों बेघर हुए, गांव के गांव पानी में डूब गए। यहां तक कि बेलगाम शहर के अक्सर इलाकों में भी पानी दाखिल हो गया था। वैसे तो बेलगाम शहर की मुख्तलिफ तंजीमों में ना सिर्फ बाढ़ बल्कि बाढ़ से लेकर कोरोना आलमी वबा तक काफ़ी खिदमात को अंजाम दिया। बेलगाम डीसी ने तक इन तमाम समाजी खिदमात का जिक्र और सराहा। बिला किसी तफरके मजहब जबान का ना करते हुए सिर्फ इंसानियत का जज्बा लिए खिदमात को अंजाम दिया गया। और इन्हीं तंजीमों में से एक है मदीना फाउंडेशन। अब मदीना मस्जिद रिलीफ फाउंडेशन अब जो है मदीना फाउंडेशन में तब्दील हुए। मदीना फाउंडेशन का कोविड सेंटर भी मदनी स्कूल में जारी है। आज एक बार फिर मदीना फाउंडेशन ने अपनी इन्हीं खिदमात का सफर तय करते हुए बाढ़ मुतासरीन लोगों को जमीन देने का काम इन्होंने अंजाम दिया। पिछले बाढ़ में परिश्वार से तकरीबन 3 किलोमीटर करीब अतिहोली गांव जो पूरी तरह से डूब चुका था वहां पर मदीना रिलीफ फाउंडेशन ने 1 एकड़ जमीन खरीद, उन्हें वहां रिहाइश करने के लिए उन्हें जगह बना दी थी। फिर जमीन खरीदी जो बाढ़ मुतासरीन के लिए रिहाइश के लिए खरीदी गई थी। लिहाजा आज तकरीबन 29 प्लॉट बाढ़ में बेघर हुए लोगों को दिए गए। इस वक्त मदीना फाउंडेशन के जिम्मेदारान मौजूद थे, खासकर जहीर साजन, सरफराज संदी, जुबेर मुतवल्ली, समीउल्ला कोतवाल, तनवीर चौबदार, अयूब जकाती, मुश्ताक अंचन मनी और भी दिगर हजरात शरीक रहे। इनके इस इकदाम पर गांव वालों ने इनके हक में दुआ की और मदीना फाउंडेशन के इस काम को अवाम ने भी सराहते हुए जिस तरह से मदीना फाउंडेशन काम कर रही है दिगर फाउंडेशन भी इसी तरह से काम करने के लिए इनसे जज्बा ले ले इस तरह की बात कही जा रही है। आइए इस पर भी देखते हैं एक छोटी सी मुख्तसर रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। ये जो खानापुर तालुक में हट्टीवड़ी ग्राम करिया एक सैलाब से गए साल मुतासिर हो गया था, उससे जो 29 फैमिलीज के जो लोग थे उन्होंने मुतासिर थे इस फ्लड से, तो उनको हम क्या है एक जमात इस्लामी का ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी और मदीना मस्जिद फाउंडेशन रिलीफ फाउंडेशन इन दो तंजीमों के जानिब से यहाँ पे 1 एकड़ ज़मीन खरीद करके इन मुस्तहक लोगों को ये प्लाट बनाकर हम आज यहाँ पे तकसीम कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारा मेहनत हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मदीना मस्जिद फाउंडेशन के जो साथी थे और HRS ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी के जो नौजवान थे उन सब मिलकर एक बहुत बड़ी कोशिश कर इन लोगों को इस प्लाट देने की कोशिश किया है। इसमें दुआ कीजिए इन लोगों को इसका फ़ायदा हो और आखिरत में इसका इनके लिए ये भलाई ही हो। एक एकड़ ज़मीन हम खरीदी की है जो इसका 20 लाख रुपए तकरीबन रकम रहा, उसमें से 7.5 लाख रुपए मदीना मस्जिद फाउंडेशन ने दिए और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी की तरफ से 8 लाख रुपए जमा किए। बाकी का रकम इन जो मुस्तक जो हजरात थे अपने अपने तौर से मेहनत करके इसमें जमा किया है। टोटल 20 लाख रुपए इसको इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये एक एक को 25x40 25x50 ऐसा कहने अलग अलग टाइप के कहने प्लॉट्स बना कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। आज जो एक छोटा सा यहाँ फंक्शन किया गया उस फंक्शन की अहमियत यह है कि जो मलकपुरवा नदी 2019 में ज़्यादा पानी आने की वजह से हमारे जो गरीब तबके के लोग वहाँ पे रहते थे, रहने की वजह से पानी आने की वजह से पूरे उनके घर मतलब बो के चले गए। बाद में चंद हमारे जो दोस्त हैं लियाकत है, सद्दाम है और निसार भैया, ऐसे चंद लोग हमारे मदीना फाउंडेशन
और एचआरएस जमात इस्लामी के मेम्बरान को जाके मिलने के बाद में हमारा मिलने का एक जरिया था वो आज पूरा मुकम्मल हो रहा है जी। ये आज कही क्या सराइंद में हमें जगह के बारे में ऐसे तो क्या जगह कौन दे रहे हैं? गवर्नमेंट दे रही है क्या कौन दे रहे हैं तुम्हें जगह? गवर्नमेंट नहीं दे रही, हमने बेलगाम जमात मदद करे सो है उनके हाँ। से जगह देख रहे हैं अभी हमारा गांव में के लोग संबंध हमने की कर पूछे नहीं है उनके से हमने अच्छा मदद हो रहा है अभी जगह के बारे में आए सो है जी। तो अभी इसके कहाँ रह रहे हैं तुम्हें अभी? अभी हम उनके वो खेत वाले के खुले जगह में है। क्या कर रह रहे हैं? हमारा रहने को ठिकाना नहीं। तो उसमें क्या शेड मारे क्या करें? शेड मारे सो है। तो अभी यो जो तुमने दिए ही यो क्या पैसे लिए तुम्हारे पास? नहीं नहीं लिए पैसे। तो फ्री में दे रहे? बेलगाम वाले आकर बेलगाम वाले बहुत मदद करे सर। अच्छा ठीक है। वालेकुम सलाम। हमने एक साल से घर जाके बहुत तकलीफ में पड़े थे, हमें पूरे घर जाके नदी आके पूरे बहुत तकलीफ में पड़े थे। बेलगाम मदीना मस्जिद वाले आए के हमने एक एकड़ जगह दुला के दिए, 20 लाख रुपए खर्चा करके उन्होंने जगह दुला को दिए है। एक एकड़ में सब जने को 29 प्लाट हमको एक एक घंटा बांटे है, बाट को हमारा जगह हमारे बांडा कर को दिए। अभी बेलगाम वाले का बहुत शुक्रिया अदा है हमारे पूरा बेलगाम वाले अत्ते कर को हमें इस जमीन पर फिरे।